24 की चुनावी चुनौती पूरी हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में एक और सियासी रण तैयार हो चुका है। जल्द ही यूपी में उपचुनाव का अखाड़ा सजने वाला है। 9 विधायक सांसद बने हैं और इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट खाली हुई है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। एक तरफ बीजेपी ने अपने स्पेशल 40 की टीम तैयार कर खराब प्रदर्शन की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच ओपी राजभर की हार पर तकरार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बीजेपी नेता राजभर को हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय आत्ममंथन की नसीहत दे रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द महाबहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की बारी, 10 सीटों पर कितनी तैयारी। उपचुनाव का अखाड़ा, राहुल अखिलेश कैसे करेंगे बंटवारा। इंडिया गठबंधन मिलके लड़ेगा और हम लोग मिलके लड़ेंगे और निश्चित 10 की 10 सीट जीतेंगे। हार से हलकान राजभर बदलेंगे निशान। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहाँ जो लड़ा उसको वोट दिया, मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। 10 सीटों की परीक्षा, बीजेपी का मिशन समीक्षा। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया, ये आत्मचिंतन का विषय है। और चलिए चर्चा की शुरुआत से पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय चौधरी जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ नेहा यादव जी भी जुड़ जाएंगी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रतिभान त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। आवाज मिल रही है संजय जी आपको? नहीं मिल पा रही आवाज, ठीक है, हम जाएंगे उनके पास। लेकिन कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जो भी प्रदर्शन रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन का और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का, उस पर समीक्षा की जा रही है। एनडीए की सभी पार्टियां समीक्षा कर रही हैं जीती हुई सीटों पर, क्या क्या फैक्टर रहे जहां पर उनको जीत मिली है, और जिन सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसको लेकर भी मंथन का दौर चल रहा है। और वही कवायद इंडिया ब्लॉक में भी चल रही है, क्योंकि आगे 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन एनडीए के भीतर जिस तरीके के सुर निकलकर सामने आ रहे हैं, खासतौर से ओपी राजभर का बयान हो, उनके बयान पर जो रिएक्शन बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए हैं, उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। देखिये, जीत का जश्न होता है और हार की समीक्षा होती है, लेकिन समीक्षा के दौरान कारणों पर ऐसा लग रहा है कि चर्चा कम हो रही है, रार ज्यादा बढ़ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। जो ओपी राजभर, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहते थे कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का हमको फायदा मिलेगा, आज वही कह रहे हैं कि इन इन चेहरों की वजह से हम चुनाव हार गए। ऐसे लग रहा है कि चिंतन मंथन करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा जोर है। देखिए, सारे राजनीतिक दल निश्चित रूप से जो कार्यक्रम रहते हैं, जिस प्रकार का आया है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद करते हैं और संवाद के आधार पर आगे की रणनीति तय कर। ठीक है, संजय जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रतिभान त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। रतिभान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, ओपी राजभर का बयान आया और उसके बाद बीजेपी नेताओं का रिएक्शन सामने आया, ऐसे लग रहा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां बहुत मुश्किल लग रहा है साथ साथ चलना, क्योंकि बहुत बेहतर होता कि हार की समीक्षा करते, जो कारण निकल कर आते, जो कमियां रह गई उनको दुरुस्त करते, बजाय उन कमियों को दुरुस्त करने के एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, यही समझ पा रहे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल। ये ओपी राजभर हो या निषाद हो या अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, ये जो इनके सहयोगी दल हैं, ये अपना पाला बचा रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, बजाय इसके कि वास्तविकता
खुद उनके भारतीय जनता पार्टी की के विधायक और जो मंत्री हैं श्रम मंत्री राजभर जी अनिल राजभर, वो खुद अपने को बचा रहे हैं कि हमारे समाज के 39,000 लोग बनारस में हैं और उन्होंने मोदी जी को वोट क्यों नहीं दिया, ऐसा कह रहे हैं। या फिर राजभर कह रहे हैं कि योगी जी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट नहीं दिया, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये अपना ये इनका इनकी क्या हैसियत, ये अपनी हैसियत नहीं बता रहे हैं, बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी को ही इसमें दोषी ठहरा रहे हैं। तो इनकी अपनी खुद की कमजोरियां हैं, अपनी कमजोरी छोटे दल अपनी कमजोरियां खुद नहीं गिनाएंगे। वोट इनको नहीं मिला, दारा सिंह चौहान को वोट नहीं मिला, चुनाव हार गए, फिर उनको मंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी से इस लज्जावश कि इनको ले आए हैं, अगर ये नहीं बनाएंगे तो विपक्ष हंसेगा और ये खुद भी हंसी के पात्र हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इज्जत की खातिर और इनकी इनकी इज्जत खातिर इनकी मर्यादा बचाई और उनको मंत्री बनाया, लेकिन उसी घोसी में चुनाव हार गए। ओपी राजभर भी का बेटा चुनाव हार गया, तो ये क्या कहेंगे। ये जो इस तरह की स्थितियां हैं इनमें इन दलों की अपनी कोई हैसियत नहीं। अनुप्रिया पटेल जिस जिले से चुनाव मात्र 33,000 वोट जीती हैं, उस जिले में 500 सीटें एक अपना दल की और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उसमें ये हालत रही कि महज 33,000 सीटों से जीत पाई, जो खुद केंद्रीय मंत्री थी, एक एक पार्टी की अध्यक्ष है। तो इनकी क्या हैसियत है, चाहे वो निषाद पार्टी के नेता निषाद हों या ओपी राजभर हों या फिर अनुप्रिया पटेल, इनकी अपनी खुद की कोई निजी हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने के लिए विपक्ष को कि भाई हमारे साथ भी लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग हैं, इसलिए उनको अपने साथ जोड़ रखा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लेकिन जिस तरह की तलखी दिख रही है रतिवान सर, जिस तरह की तलखी दिख रही है बयानों में, आपको लग रहा है कि उपचुनाव तक ये साथ बरकरार रहेगा? रतिवान सर आवाज मिल पा रही है? जिस तरह की तलखी देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि उपचुनाव तक ये साथ बरकरार रहेगा? या जो हाल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला था, चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के साथ जो दल जुड़े थे वो धीरे धीरे करके छिटक गए, उसमें ओपी राजभर भी थे, केशव यादव मौर्या भी थे, आरएलडी भी थी, वही स्थिति आप देख पा रहे हैं इन 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले कि ओपी राजभर भी छिटक जाने वाले हैं, या जैसा आप अनुप्रिया पटेल का जिक्र कर रहे हैं, मतलब क्या स्थिति आगे आप देख पा रहे हैं उपचुनाव के दौरान? मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है, इनके साथ मंत्री पद जुड़ा हुआ है, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो। अनुप्रिया पटेल तो पूरा सपरिवार लाभान्वित है, उनके पति यहाँ यूपी मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये लोग छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आज दोषारोपण करेंगे, जैसे तैसे रहेंगे, इनको पूछेगा कौन? सत्ता से बाहर हो जाने पर इन्हें कोई नहीं पूछेगा, इनकी कोई हैसियत बचेगी नहीं, लिहाजा ये यही आरोप लगाएंगे, यही बचाव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं, गठबंधन नहीं टूटेगा। लेकिन ये हार के वास्तविक कारण है जिन पर भारतीय जनता पार्टी को और सहयोगी दलों को मंथन करना चाहिए, वास्तविक कारणों पर नजर आपकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक गठबंधन की सेहत ठीक नहीं है, इनके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं। ओके सुधा जी, थोड़ी देर पहले बड़ी खबर सामने आई कि राहुल गांधी जी रिटेन रखेंगे रायबरेली की सीट और वायनाड सीट वो छोड़ रहे हैं, वहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। संकेत बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है वहां पर भी आप गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये तैयारी ये मजबूती 2027 में भी देखने को मिलेगी, कह सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से कयास लग रहे थे, जिस तरह से चुनाव के पहले बातें हो रही थी और सोशल मीडिया जो आपके भाजपा का जो आईटी सेल है वो जिस तरह से चीजों को बरगलाने और जिस तरह खबरों को आधा अधूरा करके पेश करने की कोशिश करता है, उसमें तस्वीर साफ थी कि इसके पहले भी जब स्मृति ईरानी जी का बयान हो या इनके अन्य मंत्रियों का बयान हो या किसी भी नेता का बयान उठाकर देख लेंगे तो उन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाए हैं हमारे नेताओं के ऊपर। और हर बार इस बार चुनाव में इसके पहले हमें लगता था कि जिस तरह से राजनीति करते हैं उस तरह राजनीति में जवाब देना जरूरी है, लेकिन हमें समझ में आया कि ऐसे लोग जो सिर्फ झूठ बरगलाते हैं, झूठ फैलाते हो, उनकी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, अपने काम से काम रख के जनता के साथ जुड़ने की कोशिश है। गठबंधन के साथ जब हमने अपने लोगों के चेहरे जो हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की बात की जाए, जो लोकसभा चुनाव में हमने जब गठबंधन के साथ अपना शुरू किया, अपना कार्य जनता के साथ जोड़ने के लिए, मोदी के चेहरे पे बात नहीं हुई, उनके जुमलों की बात नहीं हुई, और यहाँ तक कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का परिणाम आया है, आपने अयोध्या के बारे में लोगों ने किस किस तरह से अनर्गल बयान किए,
किस किस तरह से बातें की गई और कौन कौन सी बातें और उसकी अफवाहें फैलाई गई। यहाँ कहा गया कि हम लोगों ने परसेप्शन क्रिएट किया। सोचिए इस देश में पिछले 10 वर्षों में जो बार बार कहा जाता है कि मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होता है, मोदी जी की बात कोई नहीं मान रहा था। इनके जो नेता थे जिन्होंने स्वयं कहा कि 400 पार आएगा और हम संविधान बदलेंगे, वो बात मान के जनता हमारे साथ जुड़ी। क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग जो भी दलित हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ न खड़े होकर इनकी राजनीति है कि कुछ लोगों को इस देश में आगे बढ़ाया जाए और उसी को विकास कहा जाए। जनता हमसे जुड़ी, हमने साथ मिलकर काम किया गठबंधन में। और जो आप अभी इनके बीच में क्या रार, वो रार नहीं है, एक्चुअल में इनके जो स्वार्थ के संबंध है वो कैसे निकलेंगे। इनका जो भी गठबंधन है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, बताइए कौन सी विचारधारा पे गठबंधन है। यहाँ फायदा तो यहाँ, वहां फायदा तो वहां। तो जाहिर सी बात है जब फायदे की राजनीति होती है तो वहां पे इस तरह के राड़ आपको देखने को मिलेगी। इस पर तो फिर वो भी एग्जांपल दे सकते हैं पंजाब का, फिर वो एग्जांपल दे सकते हैं पश्चिम बंगाल का, कहीं का भी। हाँ। ना सुनिए, वो एग्जांपल कहीं का दे, मैंने कहा ना जनता से जुड़ाव के बाद अफवाहों पे ध्यान देने से अच्छा काम किया जाए। हमने काम करके दिखाया। आप ये कह रही हैं कि हमने गठबंधन स्वार्थ की वजह से नहीं किया, उन्होंने स्वार्थ की वजह से किया, यही कह रही हैं आप? नहीं हमने कहा ना कि संविधान को बदलने की लगातार बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि इस देश की आत्मा है संविधान, कैसे बदल देंगे। और जनता ने बताया कि इस देश में संविधान के हाथ में ताकत है, पक्ष और प्रतिपक्ष है। जो इंडिया ब्लॉक में जितने भी दल जुड़े थे वो सब देश के लिए जुड़े थे, वो स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े थे, लेकिन एनडीए में जो लोग जुड़े थे वो स्वार्थ के लिए जुड़े थे। जवाब दीजिए संजय जी इस पर आप। देखिए सारी बातों पर मैं समझता हूं कि जो जो बातें कही उन पर मैं सिलसिलेवार ढंग से जवाब देना चाहूंगा। रही बात इनके गठबंधन की, तो चुनाव के बाद जो बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी नहीं आई, ये इस बात का संकेत है कि गठबंधन की जमीनी हालत क्या है। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़ा फोड़ रही है, पानी के लिए प्रदर्शन कर रही है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि चुनाव का परिणाम आते ही ये गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। और इन्होंने जो वादे किए थे जनता से, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, इनका असली चेहरा सामने आ गया है। हमने कर्नाटक में देखा है कि कैसे ही चुनाव परिणाम आने के बाद महंगाई को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा दिया है। और ये इनकी हमेशा की रीत रही है कि चुनाव लड़ेंगे महंगाई के नाम पर और चुनाव जीतने के बाद जनता पर महंगाई का ठीकरा फोड़ेंगे, महंगाई बढ़ा देंगे। हमने कर्नाटक में अभी नहीं, हमें नहीं भटकना है संजय जी, हमें कर्नाटक और दिल्ली पर नहीं भटकना है। हम इसी पर फोकस रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी। आप ये कहकर तो नहीं बच सकते ना कि उनके घर में भी तो लड़ाई चल रही है, दिल्ली में मटका फोड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं। आपके घर में जो लड़ाई चल रही है, हार के बाद मंथन करने के बजाय कि जिन सीटों पर हमारी हार हुई चली उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, हार के कारणों को तलाशते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे आप तय कर पाएंगे कि आप अयोध्या में क्यों शिकस्त खा गए, ऐसे कैसे आप तय कर पाएंगे कि आप घोसी में क्यों शिकस्त खा गए। अगर ओपी राजभरे कहेंगे कि आपकी वजह से हार गए और आप कहेंगे कि नहीं उनके वोट हमारी तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये संकेत है कि आगे आप लोग साथ नहीं चलने वाले हैं। नहीं नहीं, आगे साथ नहीं चलने वाले हैं, लेकिन जो राजनीतिक गठबंधन साथ में नहीं चल रहा है चुनाव के आते ही, चुनाव के परिणाम के आने के बाद ही तो कांग्रेस ठीकरा फोड़ रही है दिल्ली में, चुनाव के परिणाम आने के बाद ही तो महंगाई को बढ़ा रही है कर्नाटक में, और ऐसा पहले भी करती रही है। यानी कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। इससे जनता में निश्चित रूप से उन राजनीतिक दलों का जो चुनाव में आने के लिए वादा कुछ करते हैं लेकिन वादा उसको पूरा नहीं करते हैं बल्कि उनके विरोध में काम करते हैं। देखिए अब तो चुनाव परिणाम आ गया, जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए पहले दिन से ही काम कर रही है, गरीबों के लिए पहले दिन से ही 3 करोड़ मकानों के संकल्प काम कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए जनता ऐसे लोगों को जो गलत वादा करते हैं, जनता ऐसे लोगों को जो वादा कुछ करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, ये तो जनता के सामने उनका वास्तविक चरित्र सामने आ गया, वो चेहरा सामने आ गया जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मुझको लगता है इसीलिए जनता ऐसे लोगों को इस बार करारा जवाब देगी। मुझे लग रहा है कि अभी जनता पर बात करने से ज्यादा जरूरी नेताओं पर बात करना है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उस पर बात करना है। अशोक जी, ये साथ चलता रहेगा, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, ये साथ चलता रहेगा लोकसभा चुनाव के बाद, उपचुनाव में भी,
2027 के विधानसभा चुनाव तक, या जो स्थिति हमें 2022 विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिली थी कि कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने तो आपको सपोर्ट किया, जैसा कि घोसी सीट पर अजय कुमार अजय जी का बयान सामने आया था कि वहां पर तो हमने सपोर्ट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमको बागेश्वर सीट पर सपोर्ट नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने हमको एमपी में सपोर्ट नहीं किया, इस बार वैसी स्थिति नहीं बनने वाली है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य बहुत बड़ा है अमन जी, और ये उद्देश्य सिर्फ केंद्र सरकार के चुनाव तक नहीं रहा, लोकसभा चुनाव तक नहीं रहा, ये लगातार आगे भी गठबंधन जारी रखने की हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और हमारा उद्देश्य भी है। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, जी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इनके ऊपर एक शेर है कि जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे ये लोग, खुद नहीं बदले खुदा बदलते रहे ये लोग, तो ये खुदा भी बदल देते हैं जरूरत के मुताबिक। आज देखिए उड़ीसा में जाकर जय जगन्नाथ करने लगे, भगवान राम को भी बदल दिया इन लोगों ने, ये लोग किसी को भी बदल सकते हैं क्योंकि ये लोग खुद नहीं बदलेंगे, ये अपने स्वार्थ के हिसाब से सब कुछ बदल देंगे। तो देखिए जनता जान रही है अमन जी कि ये जो केंद्र सरकार जो आई है सत्ता में, ये सत्ता में नहीं आई, मैंडेट लेके नहीं आई है, संख्या बल भी लेके नहीं आई है, ये तो एक तरह से देखा जाए तो जनता जनार्दन ने इनको रिजेक्ट करने का काम किया है। जो इनका सबसे बड़े नेता जो इनके मोदी जी है, इनको 3,27,000 लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया है, क्योंकि जो पिछली बार जो उनका वोट था 4,79,000 था जो जीते थे, इस बार 1,52,000 से जीते हैं, मतलब काशी की जनता जो माँ गंगा की धरती है, 3,27,000 लोगों ने वहां से माननीय मोदी जी को रिजेक्ट किया। और जिन राम के नाम पर ये लोग फालतू बातें करते रहे, भगवान राम के को भी बरगलाते रहे, भगवान राम से बड़ा चरित्र मोदी जी का दिखाते रहे कि उनकी उंगली पकड़ के मोदी जी मंदिर मिले जा रहे हैं, उस भगवान राम ने भी उनको रिजेक्ट किया। तो देखिए इनके साथ यही समस्या है अशोक जी, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं चले गए हैं भाई? पूरे देश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें हैं वो भी आप जानते हैं, बीजेपी की कितनी सीटें हैं वो भी आप जानते हैं, सरकार किसकी बनी है वो भी आप जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव से पहले किसी ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए हैं आप, या 27 की तैयारियों को लेकर अभी से ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए आप, जैसा 22 में आप लोगों ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया था? नहीं देखिए, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन जनता जरूर ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जो मैंडेट उसने दे करके मोदी जी के पैरों से जमीन खींच ली, वो जनता कॉन्फिडेंस में है कि हम लोग 2022 में पेपर लीक करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, अगली बीर देने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी जनता ने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि चंद महीनों या कुछ दिनों बाद हो सकता है कुछ ऐसे लोग उनके साथ हैं जिनके पीठ में लोग पूर्ववत भी छुरा भोंक चुके हैं, चाहे वो नायडू साहब हो चाहे नीतीश जी हो, तो कब तक ये सरकार चलेगी ये तो भगवान है मालिक है इसका। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से लोकसभा चुनाव में योगी सरकार को नकारा है, इसी तरह से विधानसभा चुनाव में नकारेगी, क्योंकि जनता जान रही है कि उसके बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंधकारमय है। ओके, और संजय जी आपका जवाब, लगातार ऐसा हो रहा है। ठीक है संजय जी, आपका काउंटर। देखिए इस तरह की बात मैंने कहा ना कि असली चरित्र उजागर होने के बाद जनता देखेगी कि राजनीतिक दल क्या कह रहे थे और राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। आज देश की वास्तविक स्थिति है कि कांग्रेस अपने न्यूनतम राजनीतिक स्तर पर जो तीसरा उसका हाईएस्ट लोअर उसका जो प्रदर्शन है वो जनता के सामने है। तो जनता निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता का परीक्षण करेगी, कहता कौन राजनीतिक दल क्या कह रहा है और कौन राजनीतिक दल क्या कर रहा है, ये जनता के सामने जैसे ही सामने आएगा जनता उसे कसौटी पर कसेगी और निश्चित रूप से उनकी विश्वसनीयता के आधार पर ही वोट देगी कि लोग कहते थे महंगाई कम करेंगे, ये महंगाई बढ़ाते हैं, इन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को बदलेगी, भाजपा संविधान को ने नहीं बदला ना बदलने वाली है। और ऐसे अविश्वसनीय राजनीतिक दल जो गलत तथ्यों के आधार पर गलत बातें बोलकर वोट पाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से जनता उनकी जैसी सच्चाई सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी को विश्वसनीयता के आधार पर वोट देगी। भाजपा के सहयोगी अगर विचार विनिमय के आधार पर कुछ मतभिन्नता की बात भी कर रहे होंगे, लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं और इंडी गठबंधन के लोग उनके साथ छोड़कर उन पर आरोप लगा रहे हैं, ये देश की खड़े हैं क्योंकि वो जो कुछ बोल रहे हैं उसको आप सुन रहे हैं और उनको खड़े होने का मौका दे रहे हैं। इस पर मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन सुधा जी कुछ कहना चाहती हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे भाई कांग्रेस को बता रहे हैं कि हम न्यूनतम अधिकतम किस पे हैं। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में सरकार होने के बावजूद
यशस्वी प्रधानमंत्री जो आपके साथ थे, जिनके चेहरे पे आपने चुनाव लड़ा, उनके होने के बावजूद 272 का अंक पार नहीं कर पाए हैं। और जो आप विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री आके बोलते हैं चार दिन पहले कुछ नहीं हुआ है नीट के मसले पे, और कल कहते हैं शाम को कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। आप विश्वसनीयता की बात करेंगे, आप इस देश के लोगों को बताएंगे विश्वसनीयता क्या होती है, जिनको खुद अपने बातों पे ये यकीन नहीं है, ना कोई जांच ना कोई पड़ताल। शिक्षा मंत्री आते हैं सीधे बोल देते हैं कुछ नहीं हुआ है, जो वो 24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग, और आप कहते हैं विश्वसनीयता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, सरकार आपकी है, आपकी जवाबदेही है। उसके बावजूद महंगाई और महंगाई की बात ना करिए, जो 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, भविष्य इस देश का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है उनसे, और आपकी सरकार में इस तरह से जिस तरह से स्कैम हो रहा है, 40-50 लाख में सीटें बिक रही हैं, और उसके बाद शिक्षा मंत्री कहते कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों की सूचना खत्म हो चुकी है, आप लोग बात करते हैं, कम से कम जनता के मुद्दों पर देश के उस स्वास्थ्य विभाग के मसले पे ऐसे मत स्कैम करने के बाद भी आप लोग बोलते कैसे हैं, कौन सी विशेषता कांग्रेस आई, ये जो पहले था कांग्रेस सरकार में, आप जनता के सामने लोगों के ऋण माफ करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, और आप बात करेंगे महंगाई और बेरोजगारी की। इस देश के अधिकतर 3 करोड़ से अधिक बच्चे पेपर लीक की वजह से 5 सालों में परेशान हुए हैं, उससे कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, वो बच्चे जंतर मंतर पे खड़े हैं। सुधा जी, वो महंगाई वाली बात इसलिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य को सुधा जी वो कह रहे हैं कि आपने महंगाई का मुद्दा चुनाव के दौरान खूब उठाया था और कहा भी था कि खटाखट सारी समस्याओं का समाधान होगा, पैसे भी आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कर्नाटक में आपने पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया? अरे कर्नाटक में आपकी सरकार है सुधा जी, वहाँ नहीं आपकी सरकार। कर्नाटक छोड़िए, राज्य का बटा हुआ देश से बाहर है क्या? अच्छा, देश से बाहर है क्या? मतलब कर्नाटक में अगर दाम बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप? नहीं, कर्नाटक देश से बाहर है क्या? कर्नाटक की महंगाई का जिक्र नहीं करें, कर्नाटक अलग कर देगी क्या? कर्नाटक की महंगाई का जिक्र नहीं करें, यही कह रही है। लेकिन इस देश में सारी सत्ता जिसके हाथ में है, जो स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं, बाकी राज्यों में तो नहीं बढ़ गए ना पेट्रोल डीजल के दाम, आपने बढ़ा दिया इसीलिए वो सवाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मध्यप्रदेश और हरियाणा में दिख रहा है, नहीं वहाँ पर नहीं वैट बढ़ा दिया गया ना, वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ गए ना, आपने बढ़ा दिया इसलिए महंगाई पर उन्होंने सवाल किया। कोई बात नहीं, आपके राज्य में महंगाई नहीं है, कोई बात नहीं। कर्नाटक बांटना है क्या इस देश से? नहीं नहीं, बांटना नहीं है, नहीं है। आप महंगाई पर सवाल करेंगे तो वो भी तो महंगाई पर सवाल करेंगे, तो आप बताएंगे ना कि आपने क्यों बढ़ा दिया? लोग इस देश के केंद्र सरकार किसकी है, किसकी जवाबदेही बनती है? अच्छा, आप एक राज्य कर्नाटक में आपने दाम बढ़ाया तो आप ये करिए कि केंद्र सरकार घटा दे कर्नाटक ने जितना बढ़ाया है। नहीं, केंद्र सरकार कुछ तो नियम बनाए, 10 सालों से बैठे हुए हैं, आज तक एक कर नहीं पाया कि जीएसटी के नाम पे वसूल जा रहे हैं हर चीज पे। ठीक है, एक एक सामान खरीदती हूँ मैं देती हूँ। ठीक है, कर्नाटक में अगर आप दाम बढ़ा रही तो आप कह रही है उससे देश में कोई फर्क नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। रतिभान त्रिपाठी जी, आज जो खबर आई है कि राहुल जी वायनाड छोड़ रहे हैं और वो रायबरेली को ही रिटेन कर रहे हैं, संकेत बहुत साफ है कि यहां पर मजबूती के साथ अखिलेश जी और राहुल जी आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, बात सही है कि हार के बाद बिखराव होता है और जीत के बाद जुड़ाव होता है। 2017 में हमने देखा था कि दोनों साथ में आए थे, साथ चुनाव लड़े, लेकिन बाद में दोनों की राहें अलग हो गई। 2019 में मायावती जी साथ में आई और उसके बाद समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा भला नहीं हुआ और यह तय हुआ कि अब यहां से फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि अपेक्षाकृत परिणाम ज्यादा बेहतर आए हैं, तो आपको लग रहा है कि साथ ज्यादा दूर तक जाने वाला है? अभी तो दोनों दलों के नेताओं की प्रतिबद्धता ऐसी ही लगती है कि साथ दूर तक जाएगा, लेकिन कुछ आवाजें उठने लगी हैं अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनको लेकर। कांग्रेस के कुछ नेताओं की आवाजें उठने लगी हैं, कुछ नेताओं ने कहा है स्पष्ट रूप से कि हम जो है, अगर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी हमारी बात, हमारी शर्त ठीक से नहीं मानेगी तो हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। अभी तो 10 में से 3 सीटों की बात हो रही है, उन 3 सीटों की जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैंने उनका प्रदर्शन कमजोर है उन सीटों की बात कांग्रेस कर रही है, और समाजवादी पार्टी जहां मजबूत है उनकी बात वो नहीं कर रही है। बात कुछ ठीक भी लग रही है, लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसी कुछ दिख नहीं रहा, कोई ऐसी खटास आई नहीं स्पष्ट रूप से। हाँ, इस तरह के जो बयान दबे छुपे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि 3 सीट समाजवादी पार्टी दे देगी? क्योंकि लोकसभा की 80 सीटों में से 25% सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी, 17 ही सीटें मिली थी, अगर 20 मिलती हाँ। तो 25% होते, तो आपको लग रहा है कि 10 में से 3 सीट दे देगी समाजवादी पार्टी और इस पर बात बन जाएगी? अभी तो ये इनिशियल कहना होगा कि समाजवादी पार्टी की भी अपनी मजबूरी है, उसे अगला चुनाव 2027 का चुनाव भी देखना है,
तो वो छोटे मोटे मामलों को निवारण करिए, छोटा मोटा मामला ये होगा, 10 में से अगर 3 सीटें मांग रहे हैं तो बहुत बड़ी मांग नहीं है, वो दे भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें आगे का चुनाव देखना 2027 वाला। जल्दी से अशोक जी बड़ा दिल दिखाएंगे, पार्टी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं है कि कांग्रेस अशोक जी बड़ा दिल दिखाएंगे 27 को ध्यान में रखते हुए, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बड़ा दिल छोटा दिल की बात नहीं है, हम लोग दोनों पार्टियां बड़ा दिन दिखाते हुए साथ थे, साथ रहेंगे, सीट शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कितना उठापटक हुई थी, लोग तमाम आरोप लगाए, लेकिन हम लोग लगातार कहते रहे कि हमारे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है सीट शेयरिंग के लेकर के गठबंधन नहीं टूटेगा, ये चीज आगे भी जारी रहेगी। देखिए सवाल 2 सीट 3 सीट का नहीं है, सवाल है हमें एक मैसेज देना है कि हम यूनाइटेड हैं, हम लोग एक साथ हैं, और एक साथ जब तक कहावत है ना संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, जब तक आप 5 उंगलियां मिला के मुट्ठी नहीं बनाएंगे, आप पावरफुल नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन सारे घटक दल एक साथ रहेंगे। संजय जी क्या करिएगा ओपी राजभर का, क्या करिएगा संजय निषाद का, क्योंकि ओपी राजभर को लेकर मैं एक बात एकदम ईमानदारी से बता दूं, मैं घोसी गया था वहां पर, बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर गुस्सा था कि समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने जितना कुछ कहा था वो भूले नहीं है, और अभी तो आपके साथ रहते हुए उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, तो क्या करेंगे आगे, क्लियर बताइएगा। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने साथी के गठबंधन के साथ रहेगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कम बैक करेगी, उपचुनाव का परिणाम बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करती है, और विपक्ष का बना हुआ गठबंधन कहती कुछ है करती कुछ है, और देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का एकमात्र कारण कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस के चरित्र से पूरे देश में तय हो गया है कि ये जिस भी राज्य में आएगी महंगाई को बढ़ाएगी, कहने की कोई बात करने की कोई बात, यही कांग्रेस जब मजबूत होती है तो कहती है कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं देगी। जी अभी कांग्रेस पर बात करने से कहीं ज्यादा जरूरी आपके लिए सहयोगी दलों पर बात करना है, जो कि अभी समीक्षा पूरी नहीं हो पाई और अपनी तरफ से वो बयान देकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। समय हमारे पास इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हार के बाद समीक्षा का दौर जारी है और इन्हीं सब के बीच में बयान भी सामने आ रहे हैं, उन बयानों में तल्खी भी सामने आ रही है, तो देखना होगा कि इस तल्खी का आने वाले दिनों में परिणाम क्या देखने को मिलता है, क्या सब साथ साथ रहते हैं, आगे तक चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, या कोई बिखराव देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए महाभारत।